कि लंबी लाइन किसी राशन डिपो पर राशन लेने वालों की नहीं है, बल्कि ये हरियाणा की परेशान वो जनता है जिनकी अफसरशाही नहीं सुनती। तो वे अनिल विज के जनता कैंप में शिकायतें लेकर पहुंचते हैं। इस कतार पर भारी भीड़ का कारण ये भी है कि गृह मंत्री अनिल विज तुरंत एक्शन लेने के लिए जाने जाते हैं। आज भी नजारा पहले जैसा ही दिखाई दिया। विज के जनता कैंप में आने वाली ज्यादातर शिकायतें पुलिस कर्मचारियों की लापरवाही की ही रही। वहीं एक शख्स अपनी भैंस चोरी का मामला लेकर भी पहुंचा, जिसने बताया कि उसकी भैंस चोरी हो गई है, लेकिन हरियाणा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। रोहतक से आए हैं, हमारी भैंस चोरी हो गई। मेरे बेटे की भैंस थी वहाँ पर, ससुराल बेटे की, और तीन भैंसें थी, एक कटड़ी थी। तीन तारीख और चार तारीख के रात को चोरी हुई है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस कह रही है, तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन कोई FIR दर्ज नहीं हुई है, ना कोई अभी तक कोई हमें तसल्लीबख्श कोई जवाब मिला है। टिटोली चौकी पड़ती है। तो आप रोहतक से अंबाला ही क्यों आए इतनी दूर, वहाँ पर भी नेता क्योंकि सर हमें पता चला है कि अनिल विज जी जो सुनते हैं समस्याएं सबकी सुनते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और उन्होंने मतलब काफ़ी लोगों का समाधान किया है जो शिकायतें हैं, तो हम भी इनके ऊपर विश्वास करके यहाँ आए हैं इतने दूर चल के। मेरे हस्बैंड ने सर दूसरी शादी कर ली, अभी मुझे तलाक भी नहीं दिया और बच्चा भी है उनसे। मैंने दरख्वास्त बहुत दे रखी है थाने में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। उनके हमारे हथीन के परवीन डागर हैं, उनसे फ़ोन करा देते हैं वो। मेरे ससुर पुलिस में हैं तो कभी भी उन्हें थाने में नहीं बुलाते मेरे ससुराल वालों को, बस मुझे बिठा देते हैं वहाँ पे, ला के दो दो तीन तीन घंटे बैठी रहती हूँ मैं। और बच्चे के उनकी दूसरी शादी के पुख्ता सारे सबूत दे रखे हैं मैंने पुलिस को, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अनिल विज के जनता कैंप में अक्सर ऐसी ही भीड़ दिखाई देती है और लोग पूरी उम्मीद से अंबाला पहुंचते हैं। इन सब की शिकायतों पर बोलते हुए हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ये तो नहीं माना कि उनकी पुलिस काम नहीं करती, लेकिन ये जरूर माना कि पेंडेंसी है जिसको लेकर जवाब मांगा जा रहा है। नहीं, ऐसा मामला तो कोई नहीं आया कि पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही है। ऐसी जरूर शिकायतें आ रही हैं कि लंबे समय से कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उसका अब मैंने सिस्टम बना दिया है। अब सारा जो है ये TTNS हमारा सिस्टम होता है, जिसमें FIR दर्ज की जाती है, और उसका मैंने सिस्टम बना दिया कि इतने दिनों तक अगर SHO कार्रवाई नहीं करता तो फिर DSP करेगा, अगर DSP नहीं करता तो फिर ASP करेगा, ASP नहीं करता तो फिर SP करेगा, SP नहीं करता तो फिर IG करेगा, IG नहीं करता तो फिर ADGP करेगा। यहाँ तक अभी उसको हम लागू कर रहे हैं, और उसका जो डैशबोर्ड है वो चंडीगढ़ में मेरे दफ्तर पर है। मैं उसको खोल के देखता हूँ यदा कदा कि भाई कहाँ किसकी कितनी पेंडेंसी है, और उनको हम उनसे पूछते हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। सिस्टम हमने बना दिया, इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन हमने सिस्टम बना दिया टाइम बाउंड FIRों को डील करने का। और ये जितने अधिकारी कर्मचारी हैं जो लेट लतीफ़ी करते हैं, टाइम पर इंसाफ नहीं देते हैं, उनके हम पूरी तरह से अब हम कार्रवाई कर रहे हैं सबके खिलाफ। मैंने अभी भी जितने अधिकारियों ने थानों से SP से मेरे पास इनपुट आया था कि उनकी जो पेंडेंसी है केसेस की, उसको मैंने सबसे एक्सप्लेनेशन मांगी है कि आपके ये केस पेंडिंग क्यों पड़े हैं। साहब रोहतक, जींद, पलवल, यानी कि 200-200 किलोमीटर दूर से जो है वो लोग यहाँ आ रहे हैं, और उनका साफ कहना है कि पूरे हरियाणा में कहीं और सुनवाई नहीं होती। नहीं रे, ऐसा ऐसी बात नहीं है, बाकी जगह भी सारे सुनते ही होंगे, ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं तो हर शनिवार को बैठता हूँ, और हर शनिवार को लोगों को पता है, और लोग सारे हरियाणा से आते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि लोगों की जो तकलीफें हैं उनको दूर किया जा सके। विज ने कहा TTNS सिस्टम तैयार किया है जिसके तहत FIR दर्ज की जाती है। अनिल विज ने कहा है कि जो अधिकारी नहीं सुनेगा शिकायत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और गृह मंत्री के टेबल पर भी ये बात पहुंचेगी। वहीं विज ने कहा घर बहुत टूट रहे हैं, उसके लिए जरूरत है सामाजिक आंदोलन की। विज ने कहा कि बहुत लड़कियां परेशान होकर यहां शिकायतें लेकर आती हैं जिस पर सुनवाई भी होती है, लेकिन घर टूटने से बचाने होंगे। अंबाला से अनिल विज, पंजाब केसरी TV।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।